हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सब कैसे हो और मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो आप लोग, क्योंकि अपने चैनल में ऑल स्टैंडर्ड्स के वीडियोस अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस है, ताकि आप लोगों को पूरा जो पोर्शन है मेरे चैनल में मिल जाएगा। और अगर कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिला है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो बच्चे चलो, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉब्लम सेट 47 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज, रेनू टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस। आप भी रेसिंग में पार्ट लेते हो स्कूल में, नहीं लेते हो तो कंपलसरी अभी लेना सीखो। इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। शी ट्रिप्ड एंड फेल आफ्टर रनिंग 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। अभी वो क्या हो गई है, वो गिर गई है, ट्रिप मतलब गिर गई है। एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन। तो अभी कितना डिस्टेंस उसका रनिंग के लिए बचा है, बेचारी गिर गई, इसके लिए आगे भाग नहीं पाई, तो कितना डिस्टेंस बच गया है, तो ये फाइंड करना है हमें। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर फिर से मैं टू पार्ट में करूँगी, उसके पहले थोड़ा सा हम गिवन लिखेंगे। रेनु टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, शी ट्रिप आफ्टर 80 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस शी हैव लेफ्ट टू रन। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस शी हैव लेफ्ट टू रन। अभी इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे, पहले एक होगा मीटर और दूसरा सेंटीमीटर। अभी ये सब्ट्रैक्शन का सम है, तो इसमें बिगर नंबर हम ऊपर लिखते हैं, तो 100 मीटर दिया है ना, तो 100 को हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला कॉलम हमारा जो है ये कैरी करने के लिए, अगर कैरी आता है या बोरो करने आता है तो उसके लिए है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 80 मीटर शी रैन ना, तो यहाँ पर 80 मीटर और 50 सेंटीमीटर शी रैन, तो देयरफॉर यहाँ पर 50 आ जाएगा सेंटीमीटर में, बट हियर सेंटीमीटर वी डोंट हैव, सो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखना है, 0 0, जैसे मैंने प्रीवियस सम में दिखाया था। और कौन सा ऑपरेशन है ये, सब्ट्रैक्शन, सो देयरफॉर साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। 0 - 0 इज 0, 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल। तो वैन इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो वॉट वी डू, हम यहाँ से बोरो करते हैं, बट योर ऑल्सो वी हैव 0, योर ऑल्सो वी हैव 0, सो वॉट वी हैव टू डू। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो 1 है इससे हम पहले एक बोरो करेंगे, फिर ये 0 को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 10 हो गया है। तो अभी ये 10 से बोलेंगे तुम हमें 1 हेल्प करो, तो 10 ने 1 हेल्प कर दिया, ये 0 ऊपर चला गया, तो ये 10 बन गया है। बट इस 10 ने 1 हेल्प किया ना, तो ये 10 का क्या बन गया है, 9। क्लियरली देखो, ध्यान से बहुत स्लोली बोल रही हूँ। अभी क्या करना है, इस 10 से यहाँ पर 1 बोरो करना है और इस 0 को ऊपर लिखना है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इस 10 ने इसको हेल्प दिया ना, इसके लिए भी क्या हो गया है, 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसे किसी को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन। तो यहाँ तक ही आ गया है। और पहले देखो, 1 ने इसको हेल्प दिया ना, तो 1 ने जब हेल्प दिया तो 1 के पास क्या हो गया है, 0 हो गया, बिकॉज ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया है, अभी ख़त्म हो गया है। अभी हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे, 10 - 5 इज 5, 9 - 0 इज 9, 9 - 8 इज 1, एंड हियर वी हैव 0 लेफ्ट, सो नो नीड टू राइट दैट, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 19 सेंटीमीटर
एंड 50 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ 19 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर शी हैड लेफ्ट टू रन। अभी हैड क्यों लिखा होगा मैंने ये भी बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर हैव दिया है, ये देखो यहाँ पर हैव दिया है और यहाँ पर डिड दिया है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम जब ये पास्ट टेंस में देते हैं तो ये हैव को हैड कर देते हैं और ये हैड हो जाएगा और ये डिड को हम निकाल देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो आंसर आया है उसमें डिड नहीं लिखते हैं, डिड को क्वेश्चन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर का पार्ट है। अगर ग्रामर भी आप लोग चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चैनल में बने रहो, स्टे ट्यून विथ माई चैनल, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो वीडियोज़ को, और लाइक करना है, लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ओके, कमेंट करके कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, अच्छा लगा है वीडियो फिर भी कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।